हाउ टू फाइंड, वो कौन कौन सी जगह है। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा या कुछ मेथड्स आपसे शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ उन टॉपिक्स को देखने के लिए या उन निचेस को देखने के लिए जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो ये है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको जरा बताऊं कि अगर आप इस बारे में कंफ्यूज है ना, अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हैं कि आप ये चीजें जो है वो कैसे मतलब कि आपको निच फाइंड करने में काफी मुश्किल हो रही है, काफी डिफिकल्टी हो रही है, यू डोंट नो हाउ टू फाइंड अ निच या यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन फाइंडिंग अ निच, सही है, तो उसके लिए बेहतर ये है, मैं शायद इसके बाद भी या जब ये वेबिनार एंड हो जाएगा तो मैं कुछ स्पेसिफाइड नीचीज हैं जिन्हें मैं ना वहां पे मेंशन करूंगा जो कि मेरी नजर में ऑल टाइम ग्रीन नीचीज हैं। इनके ऊपर आप कभी भी काम करें तो ये ना सेचुरेटेड होते हैं ना ये लैग करते हैं, इनमें हमेशा बायर्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, इनमें ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहती है, इनमें कॉम्पिटिशन भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये इनको आप जब ड्रिल डाउन करते हैं, जब नैरो डाउन करते हैं नीचीज को, तो उसके अंदर से आपको सब नीचीज देन उनके भी सब नीचीज इस तरह की चीजें जो है वो मिलती रहती हैं। कुछ नीचीज हैं जो जिनमें मुझे लगता है कि जो जो ऑल टाइम फिट नीचीज हैं, ठीक है, उनके मैं वैसे नाम ले देता हूँ। वेट लॉस का नीचा है, डाइट न्यूट्रिशन नेचुरल हेल्थ, ठीक है, ये नीचे है। सिंगिंग का नीचा है जिसमें लर्निंग लेसन होते हैं, ठीक है, गिटार प्लेइंग, ठीक है, पियानो प्लेइंग, हाउ टू सिंग, ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का नीचे है जो हमेशा से ही मैं जिसमें मोटिवेशन आ जाता है, मोटिवेशनल कंटेंट आ जाता है, इंस्पायरेशनल कंटेंट आ जाता है, ठीक है, या कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा मुश्किल मसाइल में फंसे होते हैं, ठीक है, कुछ निजी इश्यूज होते हैं, मतलब ये नीचे ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग रिसर्चेस करते रहते हैं करते रहते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि कभी इसके बारे में रिसर्चेस रुक जाए, ठीक है। ग्रीन एनर्जी का नीचे है, मसल बिल्डिंग का नीचे है, ट्रैवलिंग का नीचे है, स्पिरिचुअलिटी का नीचे है, ठीक है, ये वो नीचीज हैं जो ऑल टाइम जो है वो ग्रीन नीचीज हैं, ठीक है, तो ये वैसे लिस्ट में वहां पे डाल दूंगा, बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस बारे में रिसर्च नहीं करना चाहते, ज्यादातर रिसर्च नहीं करना चाहते और जस्ट वो एक लिस्ट देखना चाहते हैं जिनमें उन्हें पता लगे कि हाँ यार ये नीचीज जो है ये एवर ग्रीन नीचीज है, आई वी नीड टू फोकस वन ऑफ देम, ठीक है। तो चलें पहले जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं बताऊंगा वो ये है कि वो कौन से सोर्सेज हैं जो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं या आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि यार दीज आर दी कि हमें एक जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश मार्केट के अंदर से हमें कुछ मिल जाए कि हाँ यार ये है जिसके ऊपर ये सब कुछ ऑलरेडी जो है वो प्रोडक्ट्स भी बनी हुई हैं, बिक भी रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं तीन या चार चीजें आपसे शेयर करूंगा, आई एम श्योर कि कुछ लोगों को शायद ये पता हो, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता होगी उनके लिए गोल्ड माइन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहली चीज ये है कि मेरी आवाज सही आ रही है ना, आवाज सही आ रही है ना, ओके ओके। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं पर्सनली जो है वो बड़ी पसंद करता हूँ, कुछ लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट हवाले से इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज है अमेजोन डॉट, आप अमेजोन के ऊपर जाएं, ठीक है, आप अमेजोन के ऊपर जाएंगे, नाउ आई विल टेल यू कि अमेजोन को यूज करते हुए आप कैसे वो नीचेस फाइंड कर सकते हैं, कैसे वो सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं जो 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 ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना ऑलरेडी हॉट हैं, रेड हॉट नीचीज हैं, ऑलरेडी सेलिंग हैं, ठीक है, ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, ठीक है, ऑलरेडी लोग उसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, लेने के चक्कर में हैं, उन्हें ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अमेजोन पे आता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से ऑल की जगह ये सारी कैटेगरीज आ रही है जिनका मुझे ये आप इनको कह लें कि ये निचीज हैं, जनरल निचीज हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से मैं कोई निच कैसे सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ लेट्स से गार्डनिंग में आ जाता हूँ, मैं गार्डनर आउटडोर में आ जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको खाली रहने देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास गार्डनिंग के लिए कुछ लेके आ जाएगा,
जिसको मसला हो रहा है ना उसको मुझे 1 सेकेंड लगना है निकालते हुए, कीप दैट इन माइंड, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। अच्छा अब देखिए, मैं आ गया हूँ इस पे अमेजोन पे लॉन एंड गार्डनिंग में, ठीक है। अब मैं अगर लॉन एंड गार्डनिंग में जाऊंगा तो ये नीचे देखें इसके सब नीचे जो है वो मजीद खुल गए हैं, ठीक है। अब मैं अगर वन बाय वन एक के ऊपर जाता हूँ तो उसके अंदर से मजीद सब नीचे जो है वो खुल जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो मेन नीच है वो लॉन एंड गार्डनिंग है, ठीक है। अब उसके नीचे ये सारे इनके सब नीचे आ रहे हैं, ठीक है। आप इनके अंदर से वन बाय वन जा सकते हैं, आप इनके अंदर से देख सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर से जाके आपको, यानी कि आपको प्री डिफाइंड एक वैसे ऑलरेडी मार्केट मिल गई है जिसके ऊपर ऑलरेडी सर्चिज भी हैं, जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसके ऊपर लोग परचेज भी कर रहे हैं और जो ट्रेंडिंग में भी हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चला जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेट्स से कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का नीच पसंद है, या मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, या मैं उसके बारे में साइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से मैं सर्च पे दोबारा क्लिक करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का इस तरह से मेरे सामने ये सारा आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया हूँ, ठीक है, अब ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसकी सारी कैटेगरीज जो है वो खुल गई हैं, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। इनका लिस्ट करने का मतलब है कि ये लोग पागल नहीं है, अमेजोन वाले पागल नहीं है कि अगर वो इन सारी कैटेगरीज को नीच कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर प्रॉफिटेबल, दे आर मतलब ऑलरेडी सेलिंग, ठीक है। इन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है इनकी मार्केट, ये प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकती हैं। ये देखें फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं आऊँ तो प्रिंटर्स, हेडफोन, मैं इनको वन बाय वन खोलता जाऊंगा और मैं इनको ड्रिल डाउन करता जाऊंगा मजीद। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं चला जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मैं लेट्स से कि मैं प्रोजेक्टर्स में चला जाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है जी कि मैंने एक साइट बनानी है और मैंने प्रोजेक्टर बेचना है, मैं प्रोजेक्टर में चला जाता हूँ। अब जब मैं प्रोजेक्टर में जाऊंगा, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर के सारे मेरे पास सारी डिटेल्स इसकी आ गई हैं, ठीक है। इसमें से मुझे ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्टर हैं, देखें ये बेस्ट सेलर्स आ रहा है। इस बारे में मैंने थोड़ा सा बाद में बात करनी थी, लेकिन मैं एक और चीज़ जैसे ही आपको अभी यहीं पर बता रहा हूँ, कुछ लोग जो अमेजोन के ऊपर काम करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं ना, उनके लिए बड़ी जबरदस्त टिप है कि जब आपने कोई कोई अच्छी प्रोडक्ट चूज करनी हो तो उसके लिए सबसे सिंपल हैक यही है, सबसे सिंपल ट्रिक यही है कि आप जब इसमें आते हैं, ठीक है, आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आ गए हैं, प्रोडक्ट के पेज पे आ गए हैं, तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लें, या फीचर के हिसाब से सॉर्ट आउट कर लें, या हाई लो के कस्टमर रिव्यू के हिसाब से जो है सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। ये बेस्ट सेलर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी सही बिक रहा है, ठीक है, इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट हमें पता लग गया कि ये प्रोडक्ट बिकने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट इसको किया है। व्हाई यू रेज हैंड, ब्लर आ रहा है, ब्लर फ्रॉम माय सेंसर, सुन ही नहीं रहे, स्क्रीन इज ओके, नो इंटरनेट मे बी, नहीं मेरा इंटरनेट इस वक्त बिल्कुल बेहतर है एंड मैंने सिर्फ इस वेबिनार के लिए जो है वो ओके किया है। वीडियो सही है, सब कुछ सही है तो मुझे बताएं या फिर मैं इसको कंटिन्यू करूं, इस तरह से ना करें ताकि फिर ब्लर है, ब्लर है, तो आई डोंट नो व्हाई इट इज ब्लर। अब देखें, अब सही है वीडियो, अब ब्लर नहीं है, अब ओके है, चलो चलो सही है, गुड, चलो गुड। नो वॉइस, अब ये नो वॉइस का किसको आ गया है? भाई जिसको इश्यू आ रहा है ना वो चुप करके चला जाए तो उसके लिए बेहतर है। डोंट डोंट फोर्स मी टू डू समथिंग विच आई डोंट वांट टू, ठीक है। मुझे शरीफ रहने दें, एक वेबिनार चल रहा है, मुझे शरीफ रहने दें, इट विल बी गुड, ठीक है। अच्छा सही, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, जरा मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा चलें 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 सही है, ठीक है। इसी तरह से मतलब आप किसी भी उसमें जाते हैं, किसी भी कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया,
क्लोथिंग हो गया, सेल फोन्स हो गया, बुक्स हो गया, ब्यूटी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर. फॉर एग्जाम्पल, चले मैं इसमें ब्यूटी और केयर में एक दफा और आपको जाके दिखा देता हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर. ठीक है, इसमें चला जाता हूँ मैं, ताकि जिन लोगों को अगर पहले क्लियर नहीं हुआ तो इससे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आ गया हूँ. ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आने के बाद मैंने देखा है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आने के बाद देखा, अब ये मुझे इसके स्मॉल निचेस बता रहा है. देखें, ब्यूटी के अंदर मुझे स्मॉल निचेस बता रहा है, स्किन केयर का नीचे है, मेकअप का नीचे है, हेयर केयर का नीचे है. ठीक है, ये सब निचेस बता रहा है. आप इनमें वन बाय वन बेशक जाते रहेंगे, ये मजीद इसको ड्रिल डाउन करके आपको दिखाता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं हेयर केयर में चला जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट या हेयर कलर के हिसाब से कोई ऐसी प्रोडक्ट हो, मैं हेयर कलर में चला जाता हूँ. जब मैं हेयर कलर में जाऊंगा तो यानी कि अब ये ब्यूटी के अंदर हेयर कलर. अब अगर मैं हेयर कलर को मजीद थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना चाहता हूँ तो देखें, हेयर कलर, कलर एडिक्टिव फिल्टर्स, कलर करेक्टर्स, कलर ग्लेजेस, कलर रिमूवर्स, मतलब ये मजीद यानी कि ये मेरा हाफ से ज्यादा काम वैसे इसने आसान कर दिया है कि मुझे कंफ्यूजन मेरी खत्म हो गई है कि अच्छा, अगर मैंने हेयर के किसी प्रोडक्ट में जाना हो तो दीज आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश नीचे इस्टेब्लिश मार्केट जिनके अंदर मुझे जस्ट अपना कॉन्टेंट जो है वो ओके करना है, थोड़ी सा कंपेटेटिव एनालिसिस करना है और बूम. ठीक है, समझ आ गई? ये यहां तक समझ आ गई है सबको? चलो, गुड गुड. अच्छा चले, ये तो हो गया एक चीज की, ये एक चीज है जिसके थ्रू मैं मतलब इस तरह से हम ये चीजें शुरू करते हैं. अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि एक और साइड में आपसे शेयर करता हूँ. पता नहीं पहले किसी ने इस बारे में सुना हो, नहीं सुना हो, या सुना होगा तो आई डोंट नो, बट मेरे लिए बड़ी प्रॉफिटेबल चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज है. ठीक है, एक मेथड शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपको अपने आने वाले दिनों के लिए अगर आपने किसी चीज की प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो उससे आपको क्या फायदा हो सकता है. ठीक है, अब एक साइट है, फॉर एग्जाम्पल मैं साइट पे जाता हूँ, news.google.com. ठीक है, मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ. इसको गौर से देखना, वैसे ये बड़ी काम की चीज है. अच्छा जी, मैं news.google.com पे आ गया हूँ. ठीक है, अच्छा अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इस पे जो भी प्रोडक्ट आगे आने वाले दिनों के अंदर लॉन्च होने वाली होती है ना, तो उसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आती है वो, मतलब यहाँ पे फीचर होती है, उसके बारे में बताया जाता है, उसकी रिलीज डेट दी जाती है, प्रोडक्ट दी, कोई मूवी है, कोई फोन है, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, या कोई कोई भी कुछ भी ऐसी चीज है, कोई इवेंट है. ठीक है, कोई कोई स्पोर्टिंग इवेंट है, कोई पॉलिटिकल इवेंट है, कोई भी इस तरह की चीज है जो जिसने आगे रिलीज होना है, लेट से कि 3 महीनों बाद, 4 महीनों बाद, 6 महीनों बाद, तो वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाती है. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसी चीज देखना चाहता हूँ जो यूएस में नहीं मैं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज मिले जो लेट से कि इंडिया, इंडिया के हिसाब से मैं इंडिया पे जाता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं एक जो है वो कोटेशन के अंदर डाल लूंगा, ये जरा देख लें, रिलीज डेट. ठीक है, मैं यहां से करूंगा, इसको डाल के मैटर कर दूंगा. ये यहाँ पे आपको सारी वो रिलीजेस दिखा देगी जो होने वाली हैं, जो हो गई हैं, ये जो आगे होने वाली हैं. ठीक है, आपको क्या फायदा है इससे? इसमें मूवीज भी होंगी, इवेंट्स भी होंगे, कोई भी चीज होंगे, मतलब आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने उसके हिसाब से, अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से. ठीक है, इसका क्या फायदा आपको? इसका फायदा यह है, ठीक है, कि इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी उन प्रोडक्ट्स की, उन शोज की, इवेंट्स की, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फिल्म्स एंड मैनी मैनी अदर थिंग्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, बहुत सारी जो आगे होने वाली हैं. इसके हिसाब से आप, फॉर एग्जांपल आपका अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, लेट्स से एग्जिस्टिंग ब्लॉग आपका मूवीज के हिसाब से, तो यहाँ से आप अप टू डेट रह सकते हो. आगे जो मूवी आने वाली है उसके बारे में आप पहले से ही पोस्ट डाल सकते हो, आर्टिकल डाल सकते हो, रिव्यूज डाल सकते हो. कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसने 2 महीने बाद लॉन्च होना है, उसके रिव्यूज डाल सकते हो, उसके बारे में तैयारी करना शुरू कर सकते हो. या इवन कि ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जो 2 महीने बाद लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में आप ऑलरेडी एक छोटा सा माइक्रो निच के हिसाब से या छोटी सी साइट जो है वो रेडी करके रख लेते हो. ठीक है, तो ये है आपका एडवांस रिसर्च. ठीक है, कि जिससे आप अप टू डेट रहते हो. ठीक है, अब कितने, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे आप रिलीज डेट की बजाय यहाँ पे अनाउंस भी लिख सकते हो. ठीक है,
जब आप अनाउंस लिखोगे तो यहाँ पे वो बता देंगे कि जी कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे देखें द फर्स्ट एंड्रॉयड गो फोन विल अनाउंस नेक्स्ट वीक। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है, अब जिन लोगों का एंड्रॉयड के बारे में कोई ब्लॉग होगा उनको एक ऑटोमेटिकली एक अच्छी न्यूज मिल गई कि नेक्स्ट वीक जो है वो ये चीज जो है वो लाइव होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन, ये देखें इलेक्शन राज्यसभा सीट अनाउंस्ड। ठीक है, पोलिंग ऑन 23rd मार्च। अब जिन लोगों ने पॉलिटिक्स के ऊपर या इलेक्शंस के ऊपर जो भी इवेंट ब्लॉगिंग या इस तरह की चीजें करते हैं उनको इस तरह से यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी ये मार्च में है, इसका मतलब है अभी आप इसको 1-1.5 महीना जो है वो इसका अवेलेबल है, तो इसके ऊपर आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। कोई म्यूजिक एल्बम, कोई मूवी, ठीक है, कोई शोज, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ से ना आपको मिल सकती हैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, जूसी निचेज, रेड निचेज, ठीक है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो, ऑलरेडी जिसे कहते हैं जिनके ऊपर भरमार है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह की चीजों को फीचर करते ही नहीं है। ठीक है, इसका समझ आ गया, इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आया, बताएं जरा। चलो अच्छा, चलो एक ये चीज हो गई, मतलब ये दो मेथड्स हो गए। ठीक है, एंड चलें चलते हैं एक और चीज में आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये चीजें मैं आपसे इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों की ये टेंशन तो खत्म होना कि यार टॉपिक क्या है, नीचे क्या है जिनके ऊपर काम करें। ये बड़े नॉर्मल मिलते हैं, बड़े नॉर्मल सवाल मिलते हैं कि यार नीचे नहीं मिलते, किसके ऊपर करें, कहाँ से ढूंढें, कौन सा ऐसा टॉपिक है, टॉपिक मिलते हैं उसके ऊपर कॉम्पिटिशन। अब इनके ऊपर ऐसे 100+ नीचे आपको मिल जाएंगे इन चीजों के ऊपर, जिनके ऊपर टॉपिक, जिनके ऊपर कॉम्पिटिशन भी बड़ा माइनर होगा, बड़ा कम कंपटीशन होगा। मतलब आप, जाहिर सी बात है डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के ऊपर। ठीक है, भाई ये एडसेंस वगैरह के लिए बता रहा हूँ, और सबके लिए, और किसके लिए बता रहा हूँ, एडसेंस हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट्स हो, जो भी हो, ये सब इसी के लिए बता रहा हूँ। और किस लिए, नीचीज किस लिए होते हैं? बड़ा सवाल पूछा यार वैसे, बाय द वे आपने फयाज भाई। चलो विश यू गुड लक काशिफ। अच्छा नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक और चीज है। अच्छा ये जो मैंने अमेजोन का बताया ना, ये अमेजोन वाला मेथड वैसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, बहुत बेहतर है। आप अपने अपने अगर रिसर्च मिनिमाइज करनी है ना, तो इसके थ्रू आप अपनी रिसर्च या अपनी प्रोडक्ट की जो जो एनालिसिस है वो बड़ा जबरदस्त, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से फाइंड करके उनको अपनी अमेजोन एफिलिएट साइट पे जो है वो फीचर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, पता नहीं इसके बारे में भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लिक बैंक। ठीक है, इसका कैसे फायदा उठाया जाए इसका, मेरा ख्याल 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट बाद ये जूम जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लिक बैंक के ऊपर जाएं, मैं यहां से भी बता देता हूँ, क्लिक बैंक के ऊपर जाएं एंड क्लिक बैंक के ऊपर जाएं और यहां से एफिलिएट मार्केट प्लेस पे जाएं। ठीक है, एफिलिएट मार्केट प्लेस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एक ही किसी एक कैटेगरी में चले जाएं, लेट्स से कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हैं, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में चले जाएं। ठीक है, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में जाने के बाद ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनके इनकी इनकी जो है वो सब कैटेगरीज भी आ गई हैं। अब आर्ट्स एंड डिटेल में फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूँ बॉडी आर्ट में या डांस में, या बॉडी आर्ट, फैशन में, फॉर एग्जांपल मैं फैशन में चला जाता हूँ। वेट वेट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट्स ज्यादा नजर आएंगी, ऑलरेडी इस्टेब्लिश कैटेगरी है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, जिसमें आपको प्रोडक्ट ज्यादा नजर आ रही हैं, इसका मतलब है इसमें लोगों की सर्चेस भी है, देखें सेकंड थर्ड पेज तक आ रही है। ठीक है, इसमें यहां तक आपको सारा, मतलब इसका भी इस्तेमाल सेम इसी तरह से जिस तरह से आप अमेजोन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने ड्रिल डाउन करना है, कैटेगरीज में जाना है, मिनिमाइज करना है मजीद कैटेगरी को, सब नीचेज में जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं गेम्स में चला जाता हूँ, जब मैं गेम्स में जाऊंगा, ठीक है, तो गेम्स के अंदर ये मुझे गेम्स में सेल्फ हेल्प में जाता हूँ, मतलब ये इसी तरह से ना आपको इसकी इसकी जो है वो
सब कैटेगरीज को खोलता जाएगा और आपको मतलब पता लगता जाएगा, अच्छा यार ये टॉपिक्स है, ये चीज़ है। अच्छा यार टाइम थोड़ा कम रह गया, मैं एक और चीज़ को कवर करना चाह रहा था, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ और है, वैसे इसको सेपरेटली कवर किया जाना।